आप सभी अखबार से परिचित हैं, पढ़ते भी हैं, जानते हैं कि अखबार हमारे जीवन में क्यों जरूरी होते हैं। मगर शायद आपने गौर नहीं किया होगा कि अखबार में छपने वाली चीज़ों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि रोज देश दुनिया में लाखों घटनाएं होती हैं, लाखों समाचार होते हैं, उन सभी को अखबार में छापना संभव नहीं होता, इसलिए उनमें से प्रमुख समाचारों को प्रकाशित किया जाता है। अब सोचिए, अखबारों का वर्गीकरण न किया जाए, हर तरह की खबरों को जहां मर्जी छाप दिया जाए तो क्या होगा? आपको पढ़ने में परेशानी होगी, इसलिए अलग अलग खबरों के लिए पृष्ठ निर्धारित किए जाते हैं। जैसे देश की खबरें, राज्य की खबरें, शहर की खबरें, मनोरंजन, खेल, साहित्य जगत, अर्थव्यवस्था, व्यापार और दुनिया में चल रही गतिविधियों आदि की खबरें। हर अखबार अपने तरीके से खबरों के पन्ने तय करता है, पर आम तौर पर बड़ी खबरें मुख्य पृष्ठ पर दी जाती हैं, तो अर्थ जगत और खेल के समाचार आखिरी पन्ने पर। आइए कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठों को देखते हुए उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप इस PPT में देख पा रहे हैं, मुख्य पृष्ठ, इसको गौर से देखें और अंदाजा लगाएं। मुख्य पृष्ठ पर आम तौर पर देश दुनिया की बड़ी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक खबरें प्रकाशित होती हैं, साथ ही लोक रुचि का कोई समाचार भी दिया जाता है, खासकर केंद्र और राज्य सरकारों के फैसले, देश दुनिया में हो रही उथल पुथल के समाचार, यानी ऐसे समाचार जिनका लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। अखबारों के समाचार या किसी भी संचार माध्यम में जो समाचार प्रकाशित प्रसारित होते हैं, उनका मुख्य काम होता है किसी भी घटना के बारे में सूचना देना। समाचारों में विचार नहीं प्रकट किए जाते, कोई भी घटना क्या हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई आदि, ये तमाम जानकारियां समाचार के जरिए पहुंचाई जाती हैं। समाचार जीवन के हर हिस्से से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो सरकार के फैसले को लेकर भी हो सकते हैं, कहीं कोई घटना हो जाती है किसी मोहल्ले में, सड़क पर सड़क दुर्घटना हो गई, वो भी एक समाचार है, कहीं कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, वो भी समाचार है। आप कई बार खुद सोचते होंगे कि समाचार मैं भी दे सकता हूँ। आपके जीवन में आए दिन ऐसी घटनाएं होती होंगी कि आपको लगता होगा कि ये समाचार बने, मैं इस पर समाचार भेजूं या समाचार लिखूं। जैसे आपके मोहल्ले में पानी भर गया है बरसात का, उससे जुड़ी सूचना देंगे, या आपके मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी सूचना देना है, तो ये तमाम चीज़ें समाचार हो सकती हैं। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति के जीवन में जब दिन भर में इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो पूरे देश में इतने शहर हैं, इतने राज्य हैं, कितनी घटनाएं होती होंगी, कितने समाचार होते होंगे। आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि इन सूचनाओं को कैसे इकट्ठा किया जाता है समाचार पत्रों में। उसके लिए अलग अलग शहरों में संवाददाता होते हैं जो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। वो जगह जगह जाकर के अलग अलग माध्यमों से समाचार इकट्ठा करते हैं, जैसे प्रमुख सरकारी विभागों में, पुलिस थाने में, पुलिस थाने से आपराधिक घटनाओं की सूचना मिल जाती है, फिर उसको तफसील से जानते हैं, उस पर लोगों से बातचीत करते हैं, फिर वो समाचार लिखते हैं, वो समाचार भेजा जाता है अखबार के कार्यालय में। अखबार के कार्यालय में उप संपादक होते हैं जो कि उन समाचारों को पढ़ते हैं, उसकी भाषा ठीक करते हैं, उसके तथ्यों को ठीक करते हैं, फिर उसका शीर्षक देते हैं, तय करते हैं कि इसको किस आकार में जाना चाहिए। कोई भी समाचार, एक छोटी सी घटना हो गई, कहीं किसी के घर में सेंधमारी हो गई, चोरी हो गई, तो उसको पहले पन्ने पर नहीं दिया जा सकता, उसको नगर के पन्ने में दिया जा सकता है। लेकिन सेंधमारी किसके यहाँ हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर डिप्टी कलेक्टर के घर में हुई है तो वो महत्वपूर्ण समाचार है, उसको थोड़ा बड़ा बनाया जा सकता है। अगर चोरी किसी पान की दुकान में हुई है तो एक मामूली घटना है, उसको छोड़ा भी जा सकता है। तो इस तरह से समाचारों के संकलन में सावधानी बरती जाती है और उनको इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो उप संपादक फिर उसको अखबार के हिसाब से उसको तैयार करते हैं, फिर उसको पन्ने पर लगा के कि उसकी प्लेसिंग क्या हो, उसकी जगह क्या हो। अगर छोटी खबर है, एक कॉलम की है या दो कॉलम की है, तो उसको कहाँ रखें तो ठीक होगा, क्योंकि पेपर जो कागज़ होता है उसमें बहुत सारी खबरें होती हैं, कौन सी खबर कहाँ फिट की जाए। जो बड़ी खबर है वो आमतौर पर ऊपर होती है, या एक बड़ी खबर नीचे भी ली जाती है ताकि संतुलन बना रहे, आपको पन्ना देखने में भी सुंदर लगे। तो ये होता है उसकी डिजाइनिंग का काम, पन्ना आपको देखने में भी सुंदर लगे और पढ़ने में भी सुविधाजनक हो, तो उस हिसाब से खबरों को लगाया जाता है और प्रकाशित किया जाता है।